हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी लौकी चौली का सब्जी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। लौकी और चौली की सब्जी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये सब्जी में मैं ऑनियन और गार्लिक यूज़ नहीं करूँगी। बनाने के लिए एक लौकी को स्क्वायर शेप से काट के रखा। चौली मीन्स ऐसे होता है, 2 घंटा पहले मैं भिगो के रखा। एक बड़ा टोमेटो बारीक चॉप करके रखा, 2 चम्मच हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा, 1 चम्मच जिंजर पेस्ट व अदरक का पेस्ट लिया, 1 चुटकी हींग, 2 चम्मच ऑयल फोड़ने के लिए, 1 रेड चिली, 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 3 इलायची, 2 दालचीनी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 4 ग्रीन चिली यूज़ करूँगी। 2 चम्मच ऑयल गरम होने के लिए रख दिया। ऑयल गरम होते ही सारे खड़े गरम मसाला और जीरा, तेज़पत्ता, रेड चिली ऐड कर दिया। साथ में हींग वो भी ऐड कर दिया। वो फोड़ने के 2 मिनट अच्छी तरह से सल्टी कर लूंगी। जो जिंजर पेस्ट लिया, अदरक का पेस्ट वो ऐड कर दिया। साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। ये मेरा पीस है। ऑयल में अदरक का पेस्ट बहुत बच जाता है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। तो देखिए और नहीं हो रहा है। अभी अच्छी तरह से अदरक का पेस्ट फ्राई कर लिया। साथ में जो टमाटो लिया वो भी ऐड कर दिया। वो भी 2 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लूँगी और सारे ड्राई मसाला ऐड कर देती हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर लो फ्लेम में मसाला को 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेने का। जो चौली भिगो के रखा था वो भी ऐड कर दिया। वो भी अच्छी तरह से मसाला के साथ फ्राई कर लूँगी तो चौली सॉफ्ट भी हो जाएगा। मसाला के साथ फ्राई करके हो गया। अभी जो लौकी काट के धो के क्लीन करके रखा था वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देती हूँ और मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। लौकी को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया। 2 ग्रीन चिली लिया वो भी ऐड कर दिया। अभी लिड लगा के 10 मिनट्स कुक कर लूँगी। देखिए कितना पानी निकला और अच्छी तरह से कुक हो गया। अभी जो गरम मसाला लिया वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। लौकी का जो जूस व पानी निकलता है उसमें वेजिटेबल तैयार हो जाता है। एक्स्ट्रा पानी नहीं निकला, एक्स्ट्रा पानी मैं ऐड नहीं किया और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स करके बाउल में सर्व कर लेती हूँ। गैस बंद कर देती हूँ। टेस्टी लौकी चौली सब्जी बनके रेडी हो गया। ये विशेष व्यूअर्स का रिक्वेस्ट से बनाया और साथ में ऑनियन और गार्लिक नहीं यूज़ किया। बिना ऑनियन गार्लिक का जो लौकी चौली का सब्जी बहुत टेस्टी बना। ऐसे बनाइए और आप लोग को एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।